नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी इंडिया न्यूज़। तो आइए जानते हैं कि सेमिनार में क्या कुछ चल रहा है और न्यू लेबर कोड के बारे में सर क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, न्यू लेबर कोड जो आया है इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि इससे कैसे इंडस्ट्रीज को फायदा होगा और कैसे किस चीज़ पे ये काम करेंगे? जो न्यू लेबर कोड है हमारे, जो 29 हमारे लेबर एक्ट थे उनको एक साथ कंपाइल करके चार हमारे कोड्स बने, जिसमें अलग अलग तरीके के जो एक नेचर के एक्ट्स थे उनको एक साथ यूनिफाइड कर दिया गया। इसमें मुख्य रूप से जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों के हितों का ध्यान रखा गया है। जो हमारे यहाँ एम्प्लॉयर्स हैं उनके लिए ऑनलाइन रिटर्न की सुविधा, इसके अलावा जो इंस्पेक्टर होते थे, इंस्पेक्शन जो होते थे उसका नेचर चेंज करके एम्प्लॉयर फ्रेंडली बनाने का प्रयास किया गया है, जिसमें उनको इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का नाम दिया गया है, जो मुख्य रूप से ऐसा काम करेंगे कि उसमें एक फ्रेंडली एटमॉस्फियर रहे जो हमारे, और वो सलाहकार की भूमिका और उसको सुधार करने की भूमिका में होंगे। इसके अलावा जो वर्कर्स हैं, बहुत सारे वर्कर्स जो थे जो मिनिमम वेज के दायरे के बाहर थे, उनको मिनिमम वेज की सीमा में लाने का इसमें काम किया गया है। कुछ ऐसे फंड रेज किए गए हैं, नए क्रिएट किए गए हैं, जिनके माध्यम से जो सोशल सिक्योरिटी है वो श्रमिकों को दी जा सकेगी। स्किल इंडिया के अंतर्गत एक स्किल डेवलपमेंट फंड क्रिएट किया गया है। ये सारी चीज़ें नई आई हैं जो मजदूरों और एम्प्लॉयर दोनों के हितों के लिए काम। सर, जैसे कि इंडस्ट्री में आप देखते हैं कि एम्प्लॉयज़ को फर्स्ट एड ट्रेनिंग और वॉच ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो चुकी है, तो उस बेसिस पे आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये उसी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। इसमें जो आज सेमिनार हुआ, इसमें फर्स्ट एड और पोस्ट ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा जो हमारे इंस्पेक्टर्स जाते हैं, हमारे ऑफिसर्स जाते हैं, ये या जो इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ उनके जो नेगोशिएशन होते हैं, कोऑर्डिनेशन होते हैं, उनके माध्यम से भी ये ट्रेनिंग लगातार चलती है और चलती रहनी चाहिए। इसमें और बढ़ावा, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि इंडस्ट्री में सेमिनार लीगल आईपीएल के द्वारा किया गया, तो क्या ऐसे सेमिनार रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए? जी बिल्कुल, इस तरह के सेमिनार रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए। इससे डिपार्टमेंट के जहाँ ऑफिसर्स इंटरेक्ट करते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन बेहतर होते हैं, और साथ में गवर्नमेंट मशीनरी जो हमारी जो एसोसिएशंस हैं उनके बीच एक अच्छा कोऑर्डिनेशन डेवलप। तो आपने सुना वेबिनार की क्या कुछ जानकारी दी गई, तो आपकी क्या राय होगी इस खबर पर? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया न्यूज़। नमस्कार।